आप देख रहे हैं डीएस न्यूज में महरोज आपके साथ। आपको बताते चले कि आज बाराबंकी में भारतीय किसान यूनियन के संयुक्त संगठनों के राष्ट्रीय आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों सहित कई भारतीय किसान यूनियन के अन्य संगठनों ने भी गन्ना दफ्तर में इकट्ठा होकर भारत बंद चक्का जाम करने का प्रयास किया। और साथ ही साथ आपको बता दें कि परंतु शासन प्रशासन के आला अधिकारियों के चुस्त दुरुस्त व्यवस्था को देखते हुए केवल सरकार द्वारा 5 किलो राशन पर गुमराह होकर एकजुट नहीं हो रहे हैं, इसलिए तीनों कार्य कृषि कानून सरकार द्वारा वापस नहीं लिए जा रहे हैं। जब तक कि किसान एकजुट नहीं होगा तब तक सरकारें किसान विरोधी आती रहेंगी, किसान लुटता रहेगा। आइए देखते हैं दिनेश कुमार वर्मा की खास रिपोर्ट में और समझते हैं पूरी जानकारी विस्तार से। किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के मैं युवा प्रदेश अध्यक्ष अभिनंदन यादव हूँ और हमारी हर बार हर माह में 15 तारीख को मासिक बैठक होती है, वो होती है और ज्ञापन दिया जाता है, उसमें सारी समस्याएं लिखी जाती हैं। कुछ लोकल होती हैं, कुछ ज़िले लेवल की होती हैं, कुछ राष्ट्र लेवल की होती हैं, जो आज तक ये गूंगी बहरी सरकार ना तो सुनी है और ना तो उम्मीद है कि आगे सुनेगी। और अगर नहीं सुनेगी तो हम लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे, ऐसे ही भिड़ते रहेंगे। अभी तो यहाँ ज्ञापन दिया गया है, आज विरोध किया गया है, भारत बंद का विरोध समर्थन करते हुए विरोध प्रदर्शन पर हम लोग बैठे हुए हैं आज 27 तारीख को, 27 सितंबर को। और अगर अब भी सरकार नहीं मानी तो मैं युवा प्रदेश अध्यक्ष आने वाले समय में ऐलान करूंगा कि प्रदेश में 75 जिले हैं, पूरे 75 जिलों के नाके जाम करवाऊंगा, ये मेरा वादा है। वरना सरकार को ये मेरा मैसेज है, सीधा मैसेज है कि हम किसान, हम लोगों की तरफ देखा जाए। हमारे बहुत से किसान भाई बहनों के घर बह गए, कोई सुनने वाला नहीं, उनका नेपाल तहसीलदार कानून को कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं जाता, कोई नहीं पूछता। किसी का घर गिर गया, किसी की मड़ैया बह गई, कोई पानी में पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं उनको। इतनी अन्याय हो जाएगी सरकार, क्या यही उम्मीद करके हमने इस सरकार को बनाया था? अगर हमने बनाया था तो ठीक है, ये मेरी गलती समझिए, लेकिन उसी तरीके से अब सुधार करके हम सब किसान ये वादा करते हैं कि आने वाले समय में 2022 में इस सरकार को जिस तरीके से बनाया था उसी तरीके से उखाड़ फेंकेंगे, वरना हमारी मांगे पूरी की जाएं और हमारी सुनी जाए। जिलाधिकारी इतने मनमाने हो गए हैं, कहीं पर ज्ञापन दीजिए, कहीं पर बैठिए, बैठक में नहीं आएंगे, उनको ज्ञापन चल के देने जाइए। इस तरीके की बातें की जाती हैं, यह है प्रशासन, यह है लापरवाही। हम लोग चल के ज्ञापन देने जाएंगे? कब भी नहीं हो सकता ये। आज मैं युवा प्रदेश अध्यक्ष अभिनंदन यादव ऐलान करता हूँ कि अगर मेरी जहाँ जहाँ भी बैठक होगी वहाँ खुद चल करके ज्ञापन लेने आना होगा अधिकारी को, वरना वहीं पर जाकर के चौराहा जाम कर देंगे हम लोग। धन्यवाद।